चलो गाइस आगे की स्टोरी आज कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग सर फॉर्मेट तक तो पहुंच गए थे और मैंने आपको बता दिया था कि हमारे यहाँ पे जर्नल के फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम बनाते हैं हम डेट का, उसके बाद बनाते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स का, उसके बाद बनता है यहाँ पे एक LF यानी कि लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट रहेगा हमारे जर्नल का, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप समझ नहीं करना कोशिश, आगे की कहानी ये है कि सर ये पर्टिकुलर्स में क्या आता है ये मैंने कल आपको नहीं बताया, पर मैंने थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दिया था कि पर्टिकुलर्स में जो भी अकाउंट डेबिट होगा और जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब सर कैसे लिखेंगे, तो वापस से वही एंट्री पूछता हूँ मैं आपसे। हमने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, मॉडर्न अप्रोच लगाओ, परचेज किए गुड्स तो क्या बढ़ रहा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा अब बताइए और क्या बढ़ रहा है जी, और बढ़ रही है हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं लायबिलिटी अकाउंट को हम लोग क्रेडिट, कमाऊं क्या करते हैं क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करना है, मतलब क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट होता कैसे है लिखने का, पहले मैं बताता हूँ उनको बेसिक क्या है। तो सर मैंने आपको बताया अभी कि एक तो होता है हमारा डेट का कॉलम, एक होता है हमारे पर्टिकुलर, उसके बाद होता है हमारा LF, और फिर होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब समझना लिखने की स्टाइल क्या है, यहां पे आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है सर। सबसे पहले डेट कॉलम में आती है ईयर, तो पहले बताओ ईयर कौन चल रहा है, 2023। डेट क्या है आज, 27 मई, ठीक है। ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ है, हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, ठीक है, हमारा बिजनेस चल रहा होगा, हम तो आज का ट्रांजेक्शन बता रहे हैं, हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे। चलो एंड चलो मुझे बताओ कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा। तो लिखते कैसे हैं, जिस भी अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं ना वो आता है यहां पे सबसे ऊपर वाली साइड पे, जैसे यहां आएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट ये डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट के बाद में इतनी स्पेस छोड़ने के बाद हम लोग लिखते हैं LF के कॉलम के पास में इसी के जस्ट सामने डेबिट, क्या लिखते हैं जी डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट हो गया, ठीक है। अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ, तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। पर ऐसा लिखते नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट डेबिट लिख देते हैं, पर क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट इस तरीके से लिखते नहीं है। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा ना उसको लिखेंगे डेबिट वाले अकाउंट के नीचे, बट डेबिट वाले अकाउंट के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। तो एक काम करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ आपके लिए, ज्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हटा दिया मैंने यहाँ से। और क्यों लिखते हैं वो सब बताऊंगा मैं लॉजिक आपको, हर चीज जो किताबों में नहीं मिलेगी आपको। कुछ स्पेस छोड़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, फिर लिखते हैं टू और लिखते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हो गई जर्नल एंट्री। क्या हो गई ये, जर्नल एंट्री। अब सर आपने वो डेबिट में तो डेबिट लिख दिया, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट क्यों नहीं लिखा, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे के पार्ट में बताऊंगा, इसकी सारी कॉन्सेप्ट सारी कहानी हर चीज कि ऐसा फॉर्मेट क्यों आया, ठीक है। तो सर बताइए अमाउंट कितना, मान लीजिए 10,000 तो अमाउंट है, तो सर जो डेबिट हुआ है उसका तो लिखेंगे डेबिट कॉलम में अमाउंट, और जो क्रेडिट हुआ है उसका कहाँ लिखेंगे, या डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में 10,000। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल एंट्री। अब जो ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली है ना, यहाँ लगाते हैं हम ब्रैकेट और लिखते हैं यहाँ पे नरेशन, हम नरेट करेंगे समरी, समरी मैनर में कि ये ट्रांजेक्शन जो भी हुआ है, जो हमने रिकॉर्ड किया है, ये हुआ क्या था। तो बताइए क्या लिखूंगा यहाँ पे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर ऑफ रुपीज
10,000। इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कई ऑथर्स कहते हैं कि जो भी आप नरेशन लिख रहे हो ना, वो नरेशन को आप स्टार्ट करना बीइंग लिख के, कि बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम क्रिएटर ऑफ 10,000 रिकॉर्डेड, कि जो भी हुआ था ना वो हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। कई ऑथर्स कहते हैं कि यार बीइंग लिखने की कोई जरूरी नहीं है, मतलब कई ऑथर्स कहते हैं कि जो भी आप नरेशन लिखोगे ना उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, बीइंग, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम क्रेट ऑफ रुपीज 10,000 बात करता हूँ। कई ऑथर कहते हैं बीइंग में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो हुआ है वो लिख के फ्री करो मैटर को, क्लोज। कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो जी, समझ में आ रहा है? तो इसको तो हम बोलेंगे नरेशन, इसको हम बोलेंगे डेट के कॉलम को, जो भी डेट है वो डेट लिख दी, पर्टिकुलर्स में आ गया जो भी अकाउंट होगा डेबिट और जो भी अकाउंट होगा क्रेडिट। अकाउंट जो डेबिट होगा उसको लिखेंगे ऊपर परचेज अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट होगा उसको नीचे लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे कब कैसे, तो इतना स्पेस कम से कम छोड़ने के बाद, ताकि हमारी आंखों को समझ में आ जाए कि भैया क्रेडिटर क्रेडिट हो रहे हैं और परचेज डेबिट हो रहे हैं, आंखों पे जोर डालनी ना पड़े, समझ में आया ना? इसलिए थोड़ा सा गैप दे दिया कि भैया जो भी डेबिट हो उसको अलग से लिख दो और जो क्रेडिट हो उसको अलग से लिख दो, ताकि मुझे वो अलग से दिख जाए, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है, वो अलग से हमें दिख जाए कि सर ये क्रेडिटर क्या हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर आप हम चाहें तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं क्या, टू से? हाँ लिखो ना, किसने मना किया, लिखो, कोई टेंशन ही नहीं है, पर उस फॉर्मेट से अल्टीमेटली क्या है, आपको अनईजी रहेगा जब भी आप जर्नल से आगे लेजर में पोस्टिंग करोगे ना, आपकी आंखों को ज्यादा जोर डालना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए इजीनेस के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट और फिर स्पेस छोड़ के लिखा है हमने क्रेडिट, और क्रेडिट के पहले जो क्रेडिट अकाउंट हो रहा है उसके पहले हमने क्या लगाया, टू, कि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिट किसको किया, क्रेडिटर को, क्रेडिट को किया क्रेडिटर को, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये हो गई जर्नल एंट्री। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी, वह भी बताता हूँ, डेबिट की स्पेलिंग क्या है, DEBIT, और क्रेडिट की स्पेलिंग क्या है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, DR, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज कर रहे हैं, ये अपन ने डिस्कस किया था क्या पहले? तो किसी के मन में ये सवाल नहीं आया क्या आप में से, कि डेबिट की स्पेलिंग में तो आर है ही नहीं, तो फिर डेबिट की शॉर्ट फॉर्म में आर कैसे आया, डेटर का कोई कनेक्शन ही नहीं था डेबिट से। डेबिट तो हम हर उस एसेट को करते हैं जो बढ़ रहा है, और हर उस एक्सपेंस को करते हैं जो भी बढ़ रहा है, ये सवाल नहीं है आपके मन में? अब आया क्या, कि डेबिट की स्पेलिंग में तो आर है ही नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म में आर क्यों है, और क्रेडिट की स्पेलिंग में तो आर है, चलो तो यहाँ पे आर आ गया, तो क्रेडिट में तो आर है इसलिए CR, और डेबिट में आर नहीं तो फिर DR क्यों? तो इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ले आता हूँ हिस्ट्री में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। तो ये 15th सेंचुरी की बात है दोस्तों, 15th सेंचुरी मतलब अभी हम कौन सी सेंचुरी में है, 20 या 21st? 21st में मैडम, किसमें, 21st में, ये बोल रही 20 में, अरे बेटा आप आगे आ गए हो, किसमें जी अपन 21st, 21वीं सदी सुना होगा आपने, 21st सेंचुरी, ठीक है। तो 15th सेंचुरी का मतलब कब स्टार्ट हुई होगी ये, हेलो ये आ गई मेरी 15th सेंचुरी, हेलो। तो 15th सेंचुरी में एक पर्सन का जन्म हुआ था इटली में, उनका नाम था लुका पैसियोली, का नाम था लुका पैसियोली, ये जो अकाउंटिंग अपन पढ़ रहे हैं ना ये इन्होंने बनाई है, लुका भाई साहब ने, अबे लुका है लूसा है लू जो भी है, इन्होंने इन भाई साहब ने बनाई है, ठीक है। और ये कब बनाई थी, 15th सेंचुरी में, ठीक है। अब ज्यादा रिसर्च करोगे एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी, मतलब ये कब पैदा हुए थे क्या हुआ था। अब हमको सर ये बताया, हाँ 15th सेंचुरी में बनी थी जी, और किस बंदे ने बनाई थी, इटालियन पर्सन ने बनाई थी, क्या नाम था, लुका पैसियोली। अब एक बात से आप सब एग्री करेंगे कि कोई भी चीज जहां से भी ओरिजिनेट होती है ना, उस चीज पे उस जगह का इम्पैक्ट तो हमेशा रहता है। जैसे क्रिकेट कहां से आया, यूके इंग्लैंड से आया, तो
तो क्रिकेट पे हमेशा कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज पे, क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी से पे या क्रिकेटिंग टर्म्स पे किसका इम्पैक्ट हमेशा रहेगा? यूके का इम्पैक्ट हमेशा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इटालियन लैंग्वेज, इटालियन पर्सन ने ये अकाउंटिंग की अल्टीमेटली क्या करा सर, इसको बनाया, इसको जनरेट किया, इसको फाउंड किया। ठीक है, तो 100% ये तय है कि अगर इटाली इटली से अगर ये अकाउंटिंग सिस्टम आया है जिसको मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो इटालियन लैंग्वेज का 100% कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आज भी हमारे अकाउंट्स पे रहेगा। अब बताता हूं मैं आपको, इटालियन लैंग्वेज में डेबिट को डेबिट नहीं बोलते, इसके अलग अलग टर्म मिलेगी आपको, उसमें से एक टर्म है डिबेरे। क्या बोलते हैं? डिबेरे। और क्रेडिट को क्या बोलते हैं? क्रिडेरे। क्या बोलते हैं? कमॉन सर, क्रिडेरे। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको किताब किताब में, आई नहीं। डेबिट को बोलते हैं डिबेरे इटालियन लैंग्वेज में, और क्रेडिट को बोलते हैं क्रिडेरे। तो ये डिबेरे से क्या बना है और क्रिडेरे से क्या बना है सर? क्रेडिट। तो समझ में आया क्या? हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा, कोई पूछेगा भी नहीं, बट ये पता होना चाहिए। आप जरूर तुम तुम्हारे दोस्तों से पूछोगे, बोले जरा डेबिट से नहीं बता, बोल DEBIT शॉर्ट फॉर्म DR, कैसे बताओ बता कैसे, फिर तुम मजा आएगा। और बताऊं यार, ये तो कभी सोचा ही नहीं। अरे यार बताता हूँ जरा, ये बात है 15th century की। इटालियन पर्सन था, उसने इन्वेंट कराया हमारा अकाउंट सिस्टम, लुका पैसियोली नाम था, है कि नहीं? मजा आएगा ना, फोड़ देंगे, है कि नहीं? अरे पता होना चाहिए ना यार, पता तो होना चाहिए जो पढ़ रहे हैं उसको, ये आया कहाँ से भाई साहब? हेलो। तो उस लैंग्वेज के अंदर डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया जी? DR, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म कर दिया CR। कुछ समझ आया? अरे भाई समझ में आया क्या? तो डेबिट को DR लिखते हैं और क्रेडिट को लिखते हैं CR, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब मैंने आपको बताया ये गैप क्यों देते हैं यहाँ पे, शॉर्ट में भी बताया, ताकि हमारी आंखों पे ज्यादा जोर ना पड़े ये पता लगाने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा क्रेडिट हुआ है। इन दोनों में ऑटोमेटिक हमारे को फर्क दिख जाएगा कि भाई अगर एक ऊपर लिखा है वो डेबिट है और कोई नीचे गैप दे के लिखा है, इसका मतलब वो क्या है जी? क्रेडिट है। हेलो। तो इसलिए गैप दे के यहाँ पे लिखा है, और कोई तरीका नहीं है, कोई कानून तो है नहीं कि कानून में लिखा गया बेटा गैप देना चाहिए आपको, कोई इस सेक्शन में लिखा है, इस एक्ट में लिखा है, ऐसे कोई कहानी नहीं है। हेलो। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कुछ समझ में आया? बोलो अरे सर नो। चलो अब एक और ट्रांजेक्शन देता हूं मैं आपको, प्रोपराइटर अपने घर से क्या लेके आया? सिंपल, सबसे क्या है, कैश की फॉर्म में क्या लाया? कैपिटल लाया, 10,000 रुपीज। ठीक है, असेट बढ़ाया कम हुआ? अरे सुबह बताया था कैश आया ना बिजनेस में, तो असेट बढ़ाया कम हुआ? असेट बढ़ा कैश के फॉर्म में, पर एट द सेम टाइम लायबिलिटी भी बढ़ी। कौन सी? इंटरनल, बोलते क्या है? कैपिटल। और जब भी कैपिटल बढ़ती है क्या करते हैं? क्रेडिट। और असेट बढ़ता क्या करते हैं? डेबिट। मॉडर्न अप्रोच, चलो मॉडर्न अप्रोच लिखवाओ, देखे कैसे लिखूं, लिखवाओ लिखवाओ कैसे लिखूं। अरे अभी तो बताया आपको डेबिट और क्रेडिट लिखवाना, क्या लिखूं एंट्री? सबसे पहले डेट डाल दूं? हाँ डेट डाल दो, 27th of May। अब कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, या कैश अकाउंट डेबिट और फिर गैप देके टू कैपिटल अकाउंट। हेलो। तो सर लिखने का तरीका अभी आपने सिखाया था, कैश अकाउंट डेबिट गैप दू टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखूं या नहीं लिखूं? अरे लिखूंगा सर। सर आपने अगर एक और चीज नोट की होगी तो देखो, मैं कैश के बाद क्या लिख रहा हूं और कैपिटल के बाद भी क्या लिख रहा हूं, क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज क्या है? अकाउंट, हर चीज अकाउंट है यहाँ पे। एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, असेट अकाउंट, लाइबिलिटी, सब चीज अकाउंट सर यहाँ पे। अकाउंट, अकाउंटेंसी के अंदर हर चीज क्या है? मेरी अकाउंट है। हेलो। सिवाय एक बैलेंस शीट के, सिवाय एक ट्रायल बैलेंस जो आपको बनाना है, सिवाय एक BRS के जो आपको बनाना है, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स है। वो क्या है? स्टेटमेंट्स है। वो मैं बताऊंगा जब आप अगर आगे अपन लेकर लेटर पार्ट में कवर करेंगे। अभी बताओ समझ में आया क्या प्रेजेंटेशन? सर ये गैप क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं गैप, क्यों दे रहे हैं?
प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, एक तो पता लग जाए साफ साफ कि हाँ भैया ये डेबिट हुआ है और ये क्रेडिट हुआ है, और सर ज्यादा हमारे आंखों आंखों पे जोर ना आए, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े यार यहाँ पे डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा, वरना अगर हम ऐसे लिखते कैश अकाउंट डेबिट, हेलो क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट, तो कन्फ्यूजन होती डेबिट कौन सा हो क्रेडिट कौन सा हो, कई बार आप क्रेडिट ऊपर लेते थे डेबिट नीचे लिख देते, कन्फ्यूजन होती। अच्छा ये तो सिंपल एंट्री है, अब मानो चलो एक और ट्रांजेक्शन देता हूँ आपको, ओनर ने आपकी बार क्या किया, आपने वो डी महापात्रा वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, उसमें ओनर क्या सिर्फ कैश ही लाया था क्या, चैप्टर फाइव में जाओ फटाफट चैप्टर फाइव में, कम ऑन चैप्टर फाइव के बैक क्वेश्चन 15 में जाओ, पहला पॉइंट पढ़ो, डी महापात्रा क्या लेकर आया था, डी महापात्रा जी क्या क्या लेकर आए थे, कैश चेक मतलब बैंक, गुड्स मतलब स्टॉक यहां पर्चे नहीं बोल सकता, वो तो घर से ला रहे उठा के, पर्चे तो ना कि यहां पे आने के बाद, वो तो घर से ला रहे उठा के, मतलब स्टॉक और मशीन और ओहो हो। अब देखो समझना, अब समझना कि ये फॉर्मेट ऐसा क्यों फॉलो कर रहे हैं, समझना अब समझ में आएगा। आप डेट डाल दूं आज की 27th ऑफ मई, क्या क्या ला रहा है, बिजनेस में कैश आया, बैंक आया, स्टॉक आया, फर्नीचर आया और मशीनरी आई, असेट आया, असेट ही ना, ये बिजनेस का है या ओनर का है, पर बिजनेस के पास आया असेट तो बढ़ेगा, पर एट द सेम टाइम इंटरनल लायबिलिटी भी बढ़ेगी, उसको बोलते क्या है कैपिटल, असेट बढ़ते हैं तो असेट अकाउंट को करते हैं डेबिट, और कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल को करते हैं क्रेडिट, सिंपल जो भी मैंने सिखाया उस तरीके से एंट्री पास करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितनी कैश लाया जी 50,000, असेट बढ़ रहे हैं डेबिट कर दी, और क्या आया असेट, तो यहां लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, भाई जो डेबिट होगा वो तो ऐसे लिखते हैं ना, बैंक अकाउंट कितना 1,00,000, अब भाई मुझे अलग अलग अकाउंट तो अलग अलग लाइन में लिखने पड़ेंगे ना, एक साथ लिख दू कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट कॉमा डेबिट, तो फिर मैं यहां कहां कितना कॉमा लगाऊं, यहां तो डेबिट का स्पेस लिमिटेड ही है ना मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं यहां एक एक लाइन में केवल एक ही अकाउंट, फिर अगले लाइन में अगला अकाउंट, ठीक है ये तो फॉर्मेट का पार्ट है जी। हाँ आगे बताओ, स्टॉक अकाउंट डेबिट या टू स्टॉक, या टू स्टॉक सर क्रेडिट होना हो रहा है, ये कितना 60, आगे मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 1,00,000, हाँ आगे समझना प्लीज, ये चालू हो चुका है चैप्टर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट काउंट करना कितना हुआ, हाँ अब क्या लिखूं टू कैपिटल या डायरेक्ट कैपिटल, सर एक बार एक काम करते हैं हम तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखते हैं एक बार जानबूझ के गलती से, ये कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट कितना, एक बार ये अमाउंट वाले कॉलम को भूल जाओ भाई नहीं, देखो मैं तुमको लॉजिक बता रहा हूं क्यों बना है, एक किताब में नहीं मिलेगा आप, अकाउंट कुछ डेबिट हुए कुछ क्रेडिट हुए, हालांकि अभी हमने पास किया इसलिए हमको पता है कैपिटल क्रेडिट हुआ, अब किसी भी नए बंदे को दिखाओगे आप और बोलोगे बता भाई कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट, ढूंढने में परेशानी होगी क्या, होगी क्या परेशानी, प्रॉब्लम होगी क्या, क्यों होगी, क्योंकि सब एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि सब बस डेबिट और क्रेडिट में सर इसका फर्क है बस, ये लो अरे मतलब, तो कहने का मतलब सर ये सब एक जैसे लग रहे हैं सर, कम ऑन सब एक जैसे लग रहे हैं सर, प्रेजेंटेशन और हमारे सर ये अगर अकाउंटिंग एक साइंटिफिक मेथड है तो ऐसी क्या ऐसी कौन सी साइंस जो हमारा काम हार्ड कर दे, साइंस तो वो होती है जो हमारा काम आसान करे, तो हमारा काम आसान कब होगा जब मैं डेबिट वाले अकाउंट को अलग तरीके से दिखाऊंगा और क्रेडिट वाले अकाउंट को, तो इसलिए मैं सर यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ सर,
मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो क्रिएट हो रहा है ना सर जी, जो भी क्रिएट हो रहा है सर जी, उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाना चाहता हूँ, जगह छोड़ के। टू कैपिटल अकाउंट, और इसका अमाउंट कहाँ आएगा जी? क्रेडिट। अब बताओ कुछ अलग दिख रहा है क्या? हाँ भैया सर, ऊपर वाले सारे अकाउंट डेबिट और ये कैपिटल क्रेडिट। अब जब भी हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे, कैसे होती है पता नहीं, पर जब भी करेंगे तब हमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, हमें पता रहेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट हो रहा है। कुछ समझ में आया क्या? रूल क्या है डेबिट क्रेडिट के मॉडर्न अप्रोच वाले? असेट और इन एक्सपेंस अगर इंक्रीज होते हैं तो उनके अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट। और कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल और इनकम बढ़ेगी तो लायबिलिटी कैपिटल इनकम के अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। और कम होगी तो डेबिट। सिखाया था ना आप लोग? हेलो, ट्रेडिशनल अप्रोच का हम बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, विल यूज मॉडर्न अप्रोच। ठीक है जी, समझ में आया क्या? बोलो फटाफट से। प्रेजेंटेशन समझ में आया कैसे करना है? श्योर है सर? इलस्ट्रेशन नंबर वन पे डायरेक्टली आओ। सर क्या बात कर रहे हो, आ जाओ तुम, देखते हैं होगा क्या यार, डरने की बात है? वन पे नहीं, तुम एक काम करो, मैं तो कहता हूँ तुम थर्ड पे आओ। प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड डायरेक्टली सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आने दो चैलेंज। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है और प्रेजेंटेशन सीखा है और एंट्री पास करना सीखा है, कैसे रिकॉर्ड करना सीखा है, तो उसको रूल को अप्लाई करते हैं और सर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर थ्री करने की ट्राई करेंगे। करेंगे ट्राई? चलो सबसे पहले जर्नल एंट्री तो पास कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन रीड करते हैं और ये देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कौन से एक्सपेंस, कौन से इनकम, कौन से असेट, कौन सी लाइबिलिटी और कौन से कैपिटल अकाउंट पे जाएगा। यस और नो चेक करें? चलो चेक करते हैं। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑन 1 अप्रैल 2023। बताइए कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, कौन कौन से अकाउंट, कौन कौन सी चीजों को ये इम्पैक्ट करेगा? सबका हाथ खड़ा मिलना चाहिए मुझे, बोलो। हाँ सर, कौन कौन से अकाउंट? हाँ यस, फटाफट से। कौन सा असेट? कैश असेट बढ़ रहा है, डेबिट होगा। आगे 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 आगे। और कैपिटल बढ़ रही है इसलिए, तो एक तो सर कैश बढ़ रहा है, क्या करेंगे? और कैपिटल बढ़ रही है सर, क्या करेंगे? या पेंसिल से लिख सकते हो, ठीक है? ये जरूरी है ये जानना, ये किसको डेबिट और क्रेडिट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने पढ़ा है एज पर मॉडर्न अप्रोच। आगे चलें, लिखना कैसे है वो तो हमको पता है सर, हमको अगर ये पता लग जाएगा किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट, तो उसके बाद में हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, आगे। परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। यस सर, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश। ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ जाएगा असेट्स के अंदर सर, फर्नीचर विल इंक्रीज। तो सर इवेंचुअली फर्नीचर मेरा असेट है, अगर असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं बताइए फटाफट से? डेबिट। और सर और सर और, घर से लाया गया पैसा फर्नीचर लेके, घर से लेकर आया या बिजनेस के कैश को यूज किया? तो सर बिजनेस का एक असेट कम हो जाएगा, और अगर एक असेट कम हो जाएगा तो उस असेट को हम क्या कर देंगे? असेट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। असेट अगर बढ़ता है तो उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कम होता है तो उस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सर नो, आगे आगे आगे। परचेज गुड्स इन कैश, कम ऑन, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स। ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है, स्टॉक मत बोलना, परचेज गुड्स। हाँ सर, फटाफट फटाफट फटाफट, परचेज अकाउंट यूज आएगा, क्यों आएगा सर? वेरी गुड, परचेज किए हैं तो ये हमारी इनकम है, एक्सपेंस है, असेट लायबिलिटी कैपिटल क्या है? जो गुड्स परचेज किए हैं हमने, हमारे क्या है ये? नहीं सर, किसी की सुनने बात का विश्वास मत करो। जो गुड्स हम लोगों ने परचेज किए हैं उसको हम असेट अकाउंटिंग इक्विजन में मानते हैं सर, क्योंकि वहां हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे हमने गुड्स परचेज किए वैसे अकाउंट ईयर क्लोज। हेलो, यहाँ पे तो क्लोज थोड़ा हुआ सर, चालू है सर। हेलो, तो यहाँ परचेज को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे सर? एक्सपेंस। और अगर गुड्स परचेज किए हैं इसका मतलब सर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे मॉडर्न अप्रोच क्या कर देंगे सर परचेज अकाउंट को? डेबिट। कैश कम होगा, कैश क्या है? लाइबिलिटी।
कैपिटल इनकम एक्सपेंस। सर लास्ट बोल दो ना सर, अब क्या नाटक कर रहे हो बताओ आप। सर कैश क्या हमारा असेट। सर कैश अगर पे करके लेकर आए तो हमारा असेट कम होगा, और अगर कैश मेरा कम होगा असेट कम होगा तो क्या कर देंगे सर, क्रेडिट। ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर वहां पे सही से नहीं भी पढ़ा था ना, यहाँ सब कवर हो जाएगा सर। हेलो आगे चलो सर। अप्रैल 4 परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। नाम लिखा है, नाम लिखा है। हाँ मैडम मैडम सर, एक तो देखो गुड्स परचेज किए तो हमारा एक्सपेंस हो गया सर। परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड एज पर मॉडर्न अप्रोच। ओके हाँ आगे मैडम। लायबिलिटी में क्रेडिटर्स स्पेसिफिकली, और क्रेडिटर में भी उसका नाम दिया हुआ है, यानी कि हरी एंड कंपनी जो हमारा क्या है, क्रेडिटर है, मतलब हमारी लायबिलिटी है। और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट। कुछ समझ आ रहा है क्या, बोलो यार। अरे बोलो सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद। और अगर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपने थोड़ा भी सही से पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है, सब कवर हो जाएगा यहाँ पे। अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, यस सर। किस कौन से अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट, बेटा आप इसकी हेल्प नहीं कर रहे हो बता के। नहीं मैं उसको कह रहा हूं, यू आर नॉट हेल्पिंग हिम ब्रो, इसका नुकसान कर रहे हो आप। इसको आता है, यू नो इट। हाँ सर। सर एक तो कैश और एक कैपिटल, कैश और सेल्स श्योर, या कैश और स्टॉक, या कैश और गुड्स। सर जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे ना वो हमारा एक्सपेंस होगा, परचेज यूज करेंगे, और जब भी गुड्स सेल करेंगे ना वो हमारी इनकम होगी, सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। बताया आपको बार बार सर। हेलो, यहाँ पे हम जब भी गुड्स परचेज करेंगे और सेल करेंगे ना तो हम गुड्स और स्टॉक अकाउंट को यूज नहीं करेंगे। तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्यों यूज करा रहे थे, क्योंकि वहां पे हम क्या मानते, जैसे ही गुड्स परचेज किए वैसे ही ईयर एंड, और ईयर एंड होते ही वो मेरा क्या बन गया, स्टॉक असेट। हेलो क्या बन गया, स्टॉक या फिर असेट। समझ में आया क्या जी, हेलो बोलो भाई। यस सर। तो यहाँ पे सही बोल रहे हैं हमारे भाई कि सर एक असेट तो बढ़ जाएगा, कैश आया बढ़ गया, कैश असेट बढ़ गया, क्या करेंगे असेट को, डेबिट। और अगर सेल्स यानी कि इनकम बढ़ेगी तो क्या कर देंगे इनकम अकाउंट को, क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट। ओके वेरी गुड, नाइस, जबरदस्त। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। सर देखो सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, तो सेल्स तो है, इनकम तो है, इनकम बढ़ेगी क्रेडिट कर देंगे, बिल्कुल सही। इनकम बढ़ेगी सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। पैसा आया, पैसा आया, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, नुकसान हो गया। आएगा फ्यूचर में आएगा, और जिस भी चीज का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, असेट। तो मेरा असेट है, मतलब मेरा असेट बढ़ गया, श्योर। और जिस भी पर्सन को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली डेटर। क्या नाम है डेटर का, रमेश एंड कंपनी। तो किस नाम से अकाउंट बनाना चाहिए, रमेश एंड कंपनी, ये हमारे हैं क्या, डेटर यानी कि असेट। और अगर असेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं सर, डेबिट। कुछ समझ आ रहा है क्या, बोलो। हेलो, इसको लिख सकते हो आप, इस चीज को लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरने के लिए लाए हैं भैया, पढ़ने के लिए लाए किताबें, हमको सेकेंड हैंड में नहीं बेचनी हमारी बुक्स। पढ़ो इसको मस्त एकदम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अप्रैल 7 पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। स्टाफ को सैलरी पे करी कैश में, स्टाफ को सैलरी पे करी कैश में। सैलरी क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी पे करी एक्सपेंस बढ़ रहा है, वो तो पे कर दिया ना, तो पे कर दिया सर। पे करा तो क्या हुआ, एक्सपेंस तो बढ़ा ना यार, तब क्या आप कैसी बातें कर रहे हो। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो किसको करूं डेबिट, सैलरी अकाउंट को डेबिट करो, एक्सपेंस बढ़ रहा है सर। और अगर कैश में पे किया है तो कैश कम हो रहा है, और कैश क्या है, असेट। और जब भी असेट कम होता है, हेलो, तो क्या कर देते हैं सर, क्रेडिट। समझ आ रहा है क्या, बोलो, एज पर मॉडर्न अप्रोच। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल,
एक्सपेंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से बना दूं अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्या कर दूंगा इसको डेबिट और पे कर दिया, क्या क्या कम हो जाएगा? कैश क्या है, असेट कम होते तो क्या करते हैं, क्रेडिट। यस और नो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर मॉडर्न अप्रोच। अरे सर ये भी इजी है, पे टेलीफोन बिल पे किया, टेलीफोन बिल क्या हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, क्या करते हैं डेबिट, और पे किया है कैश कम होगा क्या करेंगे, असेट कम हो रहा है क्या करेंगे क्रेडिट। सर ये क्या हो जाएगा, टेलीफोन बिल को तो करेंगे यहाँ पे, टेलीफोन बिल या टेलीफोन एक्सपेंस को तो करेंगे यहाँ पे डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और कैश को क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि असेट कम हो रहा है। बोलो क्लियर। परचेज स्टेशनरी इन कैश सुबह बताया था मैंने, मुझसे पूछा था सर स्टेशनरी अगर मैंने परचेज करी है तो इसको मैं असेट में कॉलम बनाऊं क्या, तो मैंने आंसर किया था इसको, कुछ स्टेशनरी एक्सपेंस है असेट है क्या मानते हैं हम सर? देखो कई सारे स्टेशनरी में ऐसे आइटम होते हैं नो डाउट जो हमें फ्यूचर में भी बेनिफिट देते हैं, तो उसको असेट मानो, फिर असेट मानना चाहिए, बट उसकी वैल्यू बहुत कम होती है सर। अब जैसे मैं 350 का कैलकुलेटर लाया, 350 रुपीज का, अब मैं 350 रुपीज का असेट दिखा रहा हूं, असेट तो है क्योंकि उसका यूज आगे फ्यूचर में भी मिलेगा, पर उसकी वैल्यू बहुत कम है ना, तो एक प्रिंसिपल आएगा आगे, मटेरियलिटी प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 में, मैं तुमको पढ़ाऊंगा वो चैप्टर, अभी तक हमने कवर नहीं किया है। वो प्रिंसिपल कहता है कि यार जब वैल्यू इतनी रिलेवेंट नहीं है ना, तो उसको आप क्या मान लो, एक्सपेंस ट्रीट कर लो और पी एंड एल में राइट ऑफ कर देना ईयर एंड पे। हेलो समझ रहे हो, इसीलिए हम स्टेशनरी के नाम से अलग से कॉलम बनाते नहीं है, समझ में आया? तो उसको हम क्या मान लेते हैं कि भाई खर्चा हो गया यार, खर्चा हो गया, यूज कर लेंगे हम इस साल, वैसे भले ही आप यूज नहीं कर पाओ, पर उसको हम फिर भी क्या मान लेते हैं कि हमारा एक्सपेंस हो गया। तो अगर एक्सपेंस हो गया मतलब स्टेशनरी के नाम से, हेलो स्टेशनरी के नेम से एक्सपेंस अकाउंट बढ़ रहा है, क्या कर देंगे डेबिट, और पे किया है असेट कम हो रहा है कौन सा, कैश, क्या कर देंगे कम ऑन क्रेडिट। लिखा क्या आपने ये, हेलो सर लिखा क्या आपने ये, लिखो सर इसको, लिखते इसको आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो नहीं लिखा तो आप देखो, आप कैश डेबिट होगा कैपिटल क्रेडिट होगा, बताओ क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट या बस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, समझ में आया क्या? बोलो सर पहले तो बनाओ आप फॉर्मेट, और अब फॉर्मेट बनाना सिखाओ पहले, कैसे बनता है फॉर्मेट सब सिखाते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, जर्नल सर क्यों, अरे भाई पता क्या पड़ेगा क्या बना रहा हूं, है क्या ये बिल है, वाउचर है, ये है क्या चेक है, क्या है लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रेडिंग है, पी एंड एल है, बैलेंस क्या है, जर्नल, तो क्या लिख रहा हूं जर्नल, किसकी है, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये, ओनर की, ओनर का नाम क्या है गुरमन, तो जर्नल ऑफ गुरमन। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ना लिख के लिखते ऊपर इन द बुक्स ऑफ, इसको लिख लो आप पेंसिल से, इसको हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ गुरमन, और क्या बना रहे हैं सर गुरमन की बुक्स में क्या बना रहे हैं, जर्नल। तो ये आप एक लाइन में ना लिख के दो लाइन में भी लिख सकते हो, लिखो इसको पेंसिल से फटाफट से प्लीज। फटाफट लिखो फटाफट, इन द बुक्स ऑफ गुरमन, फिर क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन में, जर्नल। तो ये दो लाइन खाएगा आपका, ठीक है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है ऊपर लिखने का। अब लिख दिया आपने जर्नल बना रहे हैं, क्या आएगा फिर, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ठीक है जी। सबसे पहली एंट्री, अभी आपने मेरे को बताया सर कैश अगर डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा तो क्या लिखेंगे,
सबसे पहले ईयर, फिर डेट, कैश अकाउंट स्पेस छोड़ने के बाद एलएफ वाले कॉलम के पास डेबिट, उसके बाद में ये टू इसके नीचे लिख दूंगा बराबर बराबर में, यहाँ स्पेस छोड़ना पड़ेगा। देखो देखो कैश के नीचे लिख देता टू, यहाँ पे यहाँ स्पेस छोड़ा है इन्होंने, सर स्पेस छोड़ना पड़ेगा। हेलो, कैश अकाउंट के बाद में स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट लिखने की जरूरत है या नहीं लिखना पड़ेगा? क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कैपिटल के सामने जस्ट 1 लाख। अच्छा, इसके बाद नरेशन लिखेंगे, नरेशन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरमन, या फिर सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय गुरमन, या तो बीइंग लगा लो या नहीं लगाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। कुछ ऑथर कहते हैं कि नहीं बीइंग लगाओ, कुछ कहते हैं मत लगाओ, तो टीएस ग्रेवाल साहब क्या कह रहे हैं, मत लगाओ, तो मत लगाओ। 1 लाख हो गया। अब देखो सुनो, ये एक ट्रांजेक्शन हुआ ना, तो उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये एक ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट बताओ, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश, तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है और क्रेडिट कैश क्रेडिट हो रहा है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अप्रैल टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट स्पेस छोड़ने के बाद टू कैश अकाउंट, अमाउंट डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। बोलो क्लियर, क्या लिखूं नरेशन में? फर्नीचर परचेज, या फिर बीइंग फर्नीचर परचेज, समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अब सर इसी पैटर्न में जितने भी हम लोगों ने ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे थे पढ़े थे, बताइए अप्रैल 3 का बुक में चेक करो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। हेलो, इसमें क्या हो जाएगा अप्रैल 4 में, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी अकाउंट, कितना कितना अमाउंट सर? 1 लाख बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। आगे सोल्ड गुड्स अगेन कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना सर? 20,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आगे सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, एंट्री क्या हो जाएगी? रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 75,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक करो प्लीज चेक द प्रेजेंटेशन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या लिखा हुआ है नरेशन में? सैलरी पेड, सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया? कम ऑन, मैंने 2000, एंट्री बताइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कितना 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 कितना? 2000, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चेक करो एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, मैंने हटा दिया यहां से, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, प्लीज चेक। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा सर? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हर ट्रांजेक्शन की एंट्री के बाद बीच में हम लोग को लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि क्या अच्छा रहे प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाद में हमको चाहिए ईयर एंड पे समराइज इंफॉर्मेशन, तो प्रेजेंटेशन तो अच्छा होना चाहिए ना। ऐसी इंफॉर्मेशन क्या काम की जो समझ ही ना आए? हेलो, कम से कम प्रेजेंट तो अच्छे से करो, तो वो अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हमने कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा है। समझ आया क्या? बोलो, समझ में आया डेबिट और क्रेडिट कैसे रिकॉर्ड करते हैं? हेलो, क्यों हम लोग डेबिट लिखते हैं और फिर क्यों स्पेस छोड़ के टू लिखते हैं? हेलो, अरे बोलो भाई, डेबिट की स्पेलिंग में आर नहीं होने के बाद में भी शॉर्ट फॉर्म में ई आर क्यों आ रहा है? क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में डेबिट को क्या बोलते हैं? डिबेरे, और क्रेडिट को क्रिडेरे। तो डिबेरे से क्या आया? डेबिट डी आर, और क्रिडेरे से क्या आया? सी आर क्रेडिट। कुछ समझ आ रहा है क्या? हेलो श्योर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।